एक रानी नाम की लड़की रहती है। हाय मेरा बेटा, कितना पतला हो गया है मेरा बाबू। अभी तुमने झाड़ू ही लगाया है, अभी पूरे घर का पोछा बाकी है। जाओ पहले पोछा लगाओ, फिर खाना मिलेगा। ठीक है माँ। रानी की सौतेली माँ उससे सारा काम कराया करती थी। मुझे भूख लग रही है, तुम्हें माँ मुझे खाना नहीं दे रही। माँ मुझे भूख लग रही है और सारा काम भी हो गया है, अब मुझे कुछ खाने को दे दो। अभी का खाना तो खत्म हो गया है, जा कल की रोटी पड़ी होगी रसोई में, उनको गर्म करके खा ले। ठीक है माँ। माँ मुझे तड़के लग रही है। अरे रानी जल्दी पानी लेके आ। रानी कहाँ मर गई, जल्दी पानी लेके आ। अभी आई माँ, जल्दी दे। माँ मेरे पापा का फोन आ रहा है, मैं बात करती हूँ। हेलो। हेलो। हाँ कैसे हो? ठीक हूँ मैं। और प्रिया और रानी कैसी हैं? अच्छे हैं सब। तुम प्रिया और के साथ साथ रानी का भी ख्याल रखना। हाँ हाँ क्यों नहीं रखूंगी, मेरी बेटी है वो, तुमसे ज्यादा मैं उससे प्यार करती हूँ। तुम रानी को फोन देना। तो अभी देती हूँ, वो यहाँ पे नहीं है, अभी मैं बात करा दूंगी तुम्हारी। ठीक है। से कुछ भी मत कहना, नहीं तो शाम का खाना तुझे नहीं मिलेगा। आ गई समझ में बात? हाँ माँ। हेलो। हेलो। हाँ लो रानी आ गई, बात कर लो। ठीक है कराओ। हेलो पापा। हेलो बेटा, तुम कैसी हो? पापा मैं तो अच्छी हूँ। और तुम्हारी माँ? मेरी माँ तो बहुत अच्छी है। तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख रही है वो? अरे पापा और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? पापा मम्मा तो मुझे दिन भर पढ़ाती रहती है, पढ़ाई कैसी अच्छी नहीं होगी। ठीक है बेटा मैं रखता हूँ। ठीक है पापा, बाय बाय। प्रिया और रानी पढ़ती रहती है, तभी रानी की माँ सौतेली माँ आती है। अरे ओ महारानी, पढ़ाई करके क्या कर लेगी, जा रसोई में काम पड़ा है वो कर। ठीक है माँ। क्या पढ़ रहा है मेरी बेटी? चलो पढ़ाई करो अच्छे से। मैंने बहुत सारे पल्ले, मैं खेलने जाऊं? हाँ जाओ। माँ बर्तन मैंने धो लिए हैं, अब क्या मैं प्रिया के साथ खेलने जा सकती हूँ? नहीं खेलने नहीं जाना है, अभी और भी काम पड़े हैं, कपड़े धो ले जा। ठीक है माँ। प्रिया और रानी खेलते रहते हैं, तभी अचानक तभी एक दिन रानी की सौतेली माँ की तबीयत खराब होती है। बेटा लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे प्यास लग गई, पानी भर लाओ ना बेटा। माँ यहाँ बहुत नींद आ रही है, सोने दो ना। माँ को तो बहुत तेज बुखार आ रहा है। माँ आप सो, मैं आपके लिए गीली पट्टी करके लाती हूँ। माँ को तो बहुत तेज बुखार आ रहा है, मुझे तो रात भर पट्टी करनी पड़ेगी। रानी माँ का रात भर ध्यान रखती है और सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, अरे सुबह हो गई, चलो मैं भगवान से माँ के लिए प्रार्थना कर लेती हूँ। हे भगवान मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दो। रानी बेटा क्या कर रही हो? माँ पूजा कर रही हूँ। बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा करा। माँ ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा मैंने हमेशा तुम्हारे साथ सौतेला व्यवहार करा है, पर फिर भी तुमने मेरा तबीयत खराब होने पर ध्यान रखा है। माँ आप उठी क्यों आए, आपकी तबीयत खराब है ना, आप
बेटा, आज चाय मैं बनाऊंगी मेरी बेटी के लिए, मुझे माफ कर दो तुम। इस कार्यक्रम में यह शिक्षा मिलती है कि एक बेटी अपनी माँ का दर्द कभी नहीं देख